अशोकनगर रिजौदा गांव में उस दौरान हड़कंप मच गया जब एक 30 वर्षीय युवक अचानक लापता हो गया। परिजनों ने थाने में शिकायत की, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को शहर से दस्तयाब कर लिया है। अशोकनगर रिजौदा गांव का एक 30 साल का युवक राजा सिंह यादव रविवार की दोपहर से लापता था, जो सोमवार को सुबह के समय शहर की ताड़ी कॉलोनी में मिला है। युवक वहां किसी व्यक्ति के घर पहुंच गया था। इसकी सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसे थाने लेकर आई है। हालांकि कैसे वह यहां तक पहुंचा, इस बारे में पुलिस पूछताछ करेगी। युवक के न मिलने से नाराज ग्रामीण सुबह से ही देहात थाने पहुंच गए थे। कुछ देर तक सड़क पर बैठकर चक्का जाम किया। युवक के गाँव के लोगों ने बताया है कि राजा सिंह को किसी व्यक्ति का फोन आया था और कहा था कि दाल बाटी के कार्यक्रम में आना है, जिसके बाद रविवार के दोपहर के समय वह अपने घर से चला गया था। कल दोपहर में 12 बजे से घर से आया है। नाम राजा सिंह, बताओ आप। मेरा नाम जयमंडल यादव है, हम ग्राम वासी है, मेरे पड़ोसी है गांव का। तो गांव से आया, उसे किसी ने बुलाया कि दाल बाटी को ऐसे गुमराह करके कार्यक्रम हो रहा पठार पे। तो वहां से आओ, वहां से बुला कर वो पठार पे 12 बजे गाँव है। 12 बजे के बाद फिर कोई घर तक सूचना नहीं मिली। शाम तक रिजौदा गाँव में राजा सिंह यादव है, जो घर से कल दोपहर को 12 बजे कुछ पार्टी करने का बोल के गए थे कि कोई दाल बाटी की पार्टी वगैरह है, और वहाँ जाने का बोल के घर से निकले थे, और जो दोपहर से कल से लापता थे। और इनके घर वालों ने इनको काफ़ी तलाश किया, जो नहीं मिले थे। उसके बाद घर वालों की रिपोर्ट पर से थाने में इनका गुमनसान कायम किया गया था। उसके बाद पुलिस द्वारा इनकी लगातार सर्चिंग की जा रही थी, और गाँव वाले भी जो इनके परिवार के थे और गाँव के लोग थे, उनको काफ़ी देर रात तक ढूंढते रहे पुलिस के साथ में, जिनके कोई रात में कल कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। वो आज सुबह उनको फिर दस्तयाब किया गया है, और उनके द्वारा बताया गया है कि रात में वो कल दोपहर जो वहाँ गए थे टोरिया पे, तो वहाँ के बाद उनका मंदिर के पास बैठने के बाद से कुछ उनका दिमाग खराब वगैरह कुछ हो गया था, पागल टाइप से हो गए थे वो। तो उसके बाद से उनको होश नहीं है क्या हुआ उनके साथ में, और सुबह जब उनको होश आया तब उसको पुलिस को मिल गए थे। नहीं, ऐसी कोई उनके साथ में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई है, और ना ही कोई उनको कुछ ऐसे जबरदस्ती को लेके गया है। जैसे जो घटनास्थल पर जो साक्ष्य वगैरह मिले थे, उस हिसाब से उसकी भी वो पुष्टि नहीं हो पा रही है उनके कथनों से। अभी उनको दस्तयाब किया है, और जांच में जो भी बात सामने आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। अशोकनगर से सुनील तनेजा की रिपोर्ट।